नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड के पिन मोबाइल के थ्रू कैसे सेट करना है। तो अगर आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, अगर आप चाहते हो अपने एटीएम कार्ड के पिन सेट करना है, तो कैसे आपको यहाँ पर सेट करना है, मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तभी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड के पिन कैसे सेट किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी मोबाइल बैंकिंग ऐप है आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके पहले डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर रजिस्टर कर चुका हूँ। उसके बाद आपके जो भी एम पिन है यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपके पास इसी तरीके से लॉग इन हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब एटीएम कार्ड के पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कार्ड, तो क्या करना है, कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने क्रेडिट कार्ड के पिन यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। प्रोसेस यहाँ पर सेम है जैसे मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड के पिन सेट करके बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड के पिन भी सेट कर लेना है। तो मेरा पास यहाँ पर डेबिट कार्ड है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर ही रहने देता हूँ। अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड अप्लाई करने चाहते हो, इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर डेबिट कार्ड है। अब एटीएम कार्ड के पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा व्यू कार्ड, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के इमेज दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर टैप कर देना है, इसी तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई देगा, मतलब अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स दिखाई देगा। अगर आपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने चाहते हो, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लॉक करने चाहते हो, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके एटीएम कार्ड यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगर आप एटीएम कार्ड को मैनेज करने चाहते हो, आपको यहाँ पर मैनेज दिखाई देगा। मैनेज के ऊपर क्लिक करके अपने एटीएम कार्ड को यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। अब पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेट पिन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उसी मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पर रिसेंट ओटीपी दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पर दोबारा ओटीपी आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वेरीफाई दिखाई देगा, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा एंटर न्यू पिन, तो आपको क्या करना है, जो भी अपने एटीएम कार्ड के पिन रखने चाहते हो वही पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर ले। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा री एंटर न्यू पिन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो भी 4 डिजिट का पिन सेट किया है, सेम 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। 4 डिजिट का पिन सेट करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे की तरफ बनाए आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबमिट, तो क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंटर ट्रांजेक्शन पिन, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने के टाइम में ट्रांजेक्शन पिन सेट किया था, वही ट्रांजेक्शन पिन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी एटीएम कार्ड के पिन है यहाँ पर सेट हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा डन, तो क्या करना है, डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी एटीएम कार्ड के पिन है यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड के पिन सेट करना है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।